यदि जाति इतनी ही घृणित है तो भारत में किसी भी जाति के लोग अपनी जाति छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? वो शूद्र भी अपनी जाति क्यों नहीं छोड़ना चाहते जिन्हें लगता है कि सिर्फ शूद्र होने के कारण ही उनका तिरस्कार होता है? हर जाति के पास अपनी जाति पहचान पर गौरव करने के पर्याप्त कारण हैं। सबके अपने पूर्वज, अपना इतिहास और अपने अपने हुनर हैं। भारत में जाति की संरचना ऐसी है कि बाहर से आए इस्लाम और ईसाइयत ने भी इसे स्वीकार कर लिया। भारत ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी जातीय अस्तित्व बहुत मुखर रूप में मौजूद है। जाट, गुजर, राजपूत, बनिया, ये सब पाकिस्तानी मुसलमानों में पाए जाते हैं। जो ब्राह्मण थे वो सैयद लिखने लगे। इधर भारत में भी मुसलमानों में जाति ठीक वैसे ही मौजूद है जैसे हिंदुओं में। नाते रिश्तेदारी सब जाति देख कर ही होती है। यही हाल सिखों का है। सिंह होने के बाद भी पिंड और जाति दोनों को चिपका रखा है। ईसाइयों में दलित ईसाई हो गए हैं, वहां उनके साथ हिंदुओं से भी अधिक भेदभाव हो रहा है। जीवन में ही नहीं, मरने के बाद भी ईसाई कब्रगाहों में जगह नहीं मिलती। मतलब जिस जाति से भागने के लिए लोग इधर उधर भागे, जाति भाग कर फिर से उनके पास पहुंच गई। अधिकांश तो जाति को बड़े गर्व से अपने साथ लेकर गए। मतलब जाति है कि जाति नहीं, फिर जो चीज जाति नहीं उसका इतना नकार क्यों? स्वतंत्रता के बाद यह तथ्य बड़ी चालाकी के साथ छिपा लिया गया कि वास्तव में जातीय भेदभाव की बुनियाद अंग्रेजों ने डाली थी। उन्हें भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ना था और वो समझ गए थे कि जाति ही उसका आधार है। जब अंग्रेज चले गए तो अपनी फंडिंग के जरिए ऐसे स्कॉलर पैदा किए जो जाति को गाली देने में PhD पाते थे। अंग्रेजों की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि वो जिस तरह से भारत के जाति उद्योगों पर कब्जा करते जा रहे हैं, समाज की तरफ से उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होगी। एक तरफ उन्होंने जाति उद्योगों, काम धंधों पर कब्जा किया और दूसरी तरफ उन जातियों को नीचा दिखाने के लिए सामाजिक षड्यंत्र का शिगुफा छोड़ दिया। स्वतंत्रता के बाद शिगुफेबाजी का उत्तरदायित्व कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के पास आ गया। CSDS जैसे दर्जनों शोध संस्थान इसी बात के लिए पैसा दे रहे थे, लेकिन वो स्वयं कहां से पैसा पा रहे थे? यूरोप और अमेरिका से। आज भी कॉरपोरेट घरानों के पैसों पर चलने वाले दर्जनों शोध संस्थान ये कार्य अनवरत कर रहे हैं ताकि जातियां अपने मूल कारोबार की तरफ कभी ना देख पाएं, क्योंकि देखेंगे तो पाएंगे कि अरे, दाढ़ी बनाने का काम तो हमारा था, ये जिलेट कहां से घुसाया? अपनी बेगारी के लिए वो नाई कभी जिलेट को गाली न दे, इसलिए जरूरी है कि उसे जाति भेदभाव के शिगुफे से भरमा कर रखा जाए। हर जाति की यही कहानी है, चाहे वो शूद्र हो या ब्राह्मण।